प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें कम से कम 40 तक तो वर्ण याद करने हैं, कम से कम 25 तक घन याद करने हैं और कम से कम 25 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे। जब भी आप मैथ या रीजनिंग को क्लियरली सीखना चाहते हैं तो ये आपको कंठस्थ होना अनिवार्य है। क्योंकि मैंने वर्ग करने सिखाए थे, कम से कम दो प्रकार से मैंने वर्ग करके दिखाए थे, लेकिन वे वर्ग, वो ट्रिक पर्याप्त नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाए थे आपको। अब मैं आपको घनों के बारे में बताता हूं कि आपको 25 तक घन याद करने अनिवार्य है। जैसे मैं कहूँ 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2196, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832 और भाई 19 का घन हो गया 6859 और 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 22 का घन 10648, 23 का घन 12167, 24 का घन 13824 और 25 का घन 15625। ये याद करने इसलिए अनिवार्य है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आपको घन बनाने भी सिखाऊंगा, क्यूब करने भी सिखाऊंगा, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा है कि 25 तक आप याद करो। जैसे रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आ गया, यदि m को 1728 लिखा जाता है तो n को क्या लिखा जाएगा, तो हमें याद होना चाहिए तुरंत कि 13 का घन 1728 होता है, 13 पे है, तो 13 का घन 2196 में होता है तो 14 का क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो रीजनिंग में काम आता है, एक मैथ में जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, बड़े बड़े जब टॉपिक आएंगे, मेंसुरेशन या और कोई टॉपिक आएगा, तो ये क्यूब कई ट्रिक होती है मैथ में, शॉर्ट मेथड होते हैं, उनके लिए ये याद रहने अनिवार्य है। जैसे मैं कहूँ कि एक घन है, घन आकार की कोई वस्तु है और कोई वस्तु है जिसका आयतन 12167 सेंटीमीटर की तीन घन मीटर कह सकते हो, आयतन घन मीटर में आता है और वर्ग मीटर में आता है, स्क्वायर वर्ग मीटर में। तो अब 12167 है आयतन, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई, और हम चूंकि हमें पता है कि जो घन होता है घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, घन का जो आयतन होता है, एक ही तीन होता है, एक ही तीन मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए आयतन एक ही पावर तीन, और एक ही तीन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 12167 और ए निकालेंगे तो जो क्यूब है यह जो घन है घनमूल में जाएगा, और 12167 का घनमूल निकालेंगे, उससे अच्छा है कि यदि हमें याद है तो हम डायरेक्ट 23 कहेंगे, या किसी भी घनाकार की कोई वस्तु है आयतन देने की बजाय हमें भुजा दे दी जाए, हमें कहे कि कोई वस्तु है जिसकी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताओ। अब आयतन क्या होता है, ए की पावर तीन होती है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो ए क्या है हमारे पास 24। अब 24 को तीन बार गुणा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 24 का घन हमें याद है तो हम डायरेक्ट कहेंगे 13824, और यही जो समय हम बचा रहे हैं ये समय हमें बाद में बहुत काम आएगा। ये तो हो गई प्रॉपर कोई बात कि भाई हमें ये घन याद करने अनिवार्य है। अब मैं आपको बताता हूं कि घन का एक छोटा सा तरीका भी होता है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये चीज आपको बड़ी ध्यान से देखनी है। देखो घन क्यूब निकालने का एक मेथड है, इसमें चार पार्ट है। सबसे पहले यदि हम 12 का घन निकालते हैं, देखो 12 का घन
यानी कि एक से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का घन जब निकालते हैं, तो ध्यान से सुनना, पहले तो लिखो एक, पहली संख्या, पहला अंक, दूसरा अंक, दो का वर्ग लिखो, दो का वर्ग क्या होता है चार, दो का घन क्या होता है आठ। अब पहला, पहले और चौथे अंक के नीचे काटा मार दो, बच गए दो अंक, दो का दुगुना क्या होता है चार, और चार का दुगुना क्या होता है आठ, बस इनको ऐड कर दो, आठ आठ, आठ चार बारह एक, चार दो छह रे सात, एक रे चार दो छह एक सात और एक का एक, यानी कि बारह की क्यूब 1728। क्योंकि हम बार बार ये नियम नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने याद करने के लिए भी कहा है, और ये ट्रिक भी सीखो आप। जैसे मैं कहूं शुरू में एक है, यदि एक को बाद में कर दूं, मैं एक को बाद में कर दूं, या तो एक पहले आएगा या एक बाद में आएगा। देखो इसकी क्यूब करनी है हमें, सबसे पहले जब एक बाद में है तो राइट हैंड से शुरू करो, इकाई से शुरू करो, एक दो, दो का वर्ग होता है चार और चार का वर्ग होता है आठ, पहले और चौथे को काटा मार दो, चार का दुगुना कितना होता है आठ और दो का दुगुना चार, एक का एक, चार दो छह, आठ चार बारह और आठ और एक नौ, 21 का घन होता है 5261। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे बेसिक में पेपर में आता है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। अब सुनो, अब चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें ये नियम तो काम ही नहीं आया, उसमें यदि हमें याद है 21 का क्यूब हमने याद कर रखे है 5261 होता है, तो हम तुरंत प्रभाव से बगैर समय जाया किए 5261 कर देंगे, उसमें ये नियम कोई काम नहीं करेगा 5261, क्योंकि 22 का तो फिर क्या हो जाता है 10648 हो जाता है, तो ये तो 5 अंकों की हो गई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5261 है जो पूर्ण घन है। अच्छा, दो नियम हो गए, इसका जो तीसरा नियम है, जब दोनों अंक बराबर हों, जैसे 22, 33, 44, 55, 66 ऐसे 11, तो जब दोनों अंक सेम है ना, तो दोनों अंकों को चार टाइप में लिखो, चार बार बनाओ, और दो का घन होता है आठ, फिर दो का घन आठ, फिर दो का घन आठ और फिर दो का घन आठ। 22 का घन करना हो, 33 का करना हो, 44, 44 का करना हो, तो ये नियम काम करेगा। अब वही पहला और चौथा अंक काट दो, आठ का दुगुना 16, फिर आठ का दुगुना 16। अब देखो, आठ के आठ, 16 और 8 24 का चौका सरपाई 2, 16 8 24, 24 और 2 26 का छक्का सरपाई 2, और 8 2 10, 10 648, मैंने अभी बताया 10 648 होता है 22 का। मोटी बात यह है कि जब दोनों अंक सेम है तो ये तरीका लगेगा, शुरू में एक है तो ये तरीका लगेगा, बाद में एक है तो ये तरीका लगेगा, और बाकी किसी भी दो अंकों की किसी संख्या का घन निकालना हो, कोई संख्या जो जिसमें ना तो शुरू में एक हो ना बाद में एक हो या दोनों अंक एक जैसे ना हो और बाकी कोई संख्या हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 23। अब 23 का मैंने मुझे क्यूब निकालना है। अब सुनो, सबसे पहले तो पहले अंक का घन यहां लिखो, दो का घन 8, 3 का घन 27। अच्छा, अब यहां देखो दो अंक क्या लिखने हैं, पहली संख्या का वर्ग करके इससे गुणा कर दो, दो का वर्ग 4, 4 दिया 12, यहां क्या लिख रहा है दूसरी संख्या, दूसरे अंक का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 9 दुनी 18, वही पहला और चौथा अंक काट दो, 12 का दुगुना लिखो 24, 18 का दुगुना लिखो 36। अब जोड़ो इसको, 27 में 0 जोड़ेंगे, 27 का 7 असल पाई 2, 36 और 18 54 और 2 56 का 6 असल पाई 5, 24 और 12 36, 36 और 5 41 का 1 असल पाई 4, 8 4 12, 12 167। मैंने बताया था कि 23 का क्यूब 12167 होता है। फिर सुनो एक बार, जब एक शुरू में है तो ये नियम लगेगा, एक दो, दो का वर्ग और दो का घन, पहला और चौथा हमेशा कटेगा, इसका दुगुना यहां, इसका दुगुना यहां, केवल जोड़ दो। जब एक बाद में है तो इधर से स्टार्ट करो, एक दो, पहला अंक, दूसरा अंक, दूसरे का वर्ग, फिर घन, पहला और चौथा कट जाएगा, दो का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ये जुड़ जाएगा। जब दोनों अंक सेम है तो दोनों अंक 33 हो ची, 22 हो ची, 11 हो, 44 हो, तो इसका क्यूब, इसका घन और यानी कि चार पार्ट में लिखना है इसको, पहला और चौथा खत्म, 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना 16 जोड़ दो। यदि बाकी कोई भी अंक हो, दो अंक का कोई भी संख्या हो, उसका घन जब करना है तो क्या करेंगे,
पहले पहले जो अंक है उसकी यहां क्यूब कर देंगे और तीन की क्यूब कर देंगे। अच्छा यहां क्या लिखेंगे, इसका वर्ग करके इससे गुणा कर दो, इसका वर्ग करके इससे गुणा कर दो, ये दोनों कट गए, इसका दोगुना इसका दोगुना जोड़ दिया। क्लियर, समझ में आ गया?